प्रिय दर्शकों, श्रीमन अस्पताल की तरफ से मैं डॉक्टर वीपी शर्मा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम श्रीमन अस्पताल की तरफ से एक नया प्रयास शुरू कर रहे हैं, जिसमें हमारे माहिर डॉक्टर आपको इन बीमारियों के बारे में जानकारी देंगे तथा यह भी बताएंगे कि आप समय पर रहते हुए इन बीमारियों को कैसे पहचान सकते हैं और समय पर रहते ही इसका इलाज करा के एक लंबा निरोगी जीवन व्यतीत कर सकते हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रीति सलहान डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनल मेडिसिन श्रीमन हॉस्पिटल में एज फिजिशियन काम कर रही हूँ। आज हम एक खास तरह के बुखार के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है मलेरिया। ये बहुत ही कॉमन बीमारी है। ये एक खास तरह के पैरासाइट से फैलती है। पैरासाइट मतलब एक खास तरह का कीटाणु। ये चार तरह के पैरासाइट्स होते हैं, फाल्सीपैरम, वाइवैक्स, ओवेल और मलेरिया। ये जब हमारे शरीर में जाते हैं तो हमारे शरीर में दिक्कत आनी शुरू हो जाती है, मेनली बुखार होना शुरू होता है। तो सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि ये हमारे शरीर के अंदर जाता कैसे है। ये मोस्ट ऑफ द केसेस ज़्यादातर ये मच्छर के काटने से फैलता है। मच्छर के जो थूक के ग्लैंड होते हैं, जिसको हम सलाइवरी ग्लैंड्स बोलते हैं, जब वो मच्छर हमारे स्किन के ऊपर बैठ के हमें काटता है तो हमारे ब्लड के अंदर वो पैरासाइट इंजेक्ट कर देता है। ब्लड के अंदर जाने के बाद ये पैरासाइट ग्रो करते हैं, ये हमारे लीवर के सेल्स में जाते हैं और उसके बाद रेड ब्लड सेल्स में चले जाते हैं। जब ये रेड ब्लड सेल्स में चले जाते हैं, जिसके अंदर हमारा हीमोग्लोबिन होता है, तो ये रेड ब्लड सेल्स धीरे धीरे टूटने शुरू होते हैं और हमें तेज़ बुखार आना शुरू हो जाता है। पेशेंट को इस चीज़ का एहसास इस टाइम पर होता है कि हाँ, कुछ गड़बड़ है, कोई बीमारी है अंदर, मुझे तेज़ बुखार आ रहा है। सिर्फ मच्छर के काटने से ही ये दिक्कत नहीं होती, कई बार हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान भी ये दिक्कत होती है। अगर इन्फेक्टेड ब्लड जो है वो ट्रांसफ्यूज हो जाए तो भी ये पैरासाइट हमारे शरीर के अंदर जा सकते हैं। अगर प्रेग्नेंट लेडी है, एंटीनेटल केस है, तो अगर मदर इन्फेक्टेड है तो वो फीटस में अपने बच्चे को वो इन्फेक्शन दे सकती है। बहुत रेयर केसेस में अगर हम जो ड्रग अब्यूज़र्स होते हैं, अगर वो जो नीडल्स हैं वो इन्फेक्टेड यूज़ करते हैं, या वैसे ही अगर हम किसी चीज़ के लिए इन्फेक्टेड नीडल्स यूज़ करें जिसमें ऑलरेडी ही पैरासाइट की इन्फेक्शन है, तो वो हमारे ब्लड के अंदर जा सकती है। मेन हमें ये पता होना चाहिए कि ज़रूरी नहीं है कि आज हमें मस्किटो बाइट हुई है तो आज ही हमें सिम्टम्स आने शुरू हो जाएंगे। एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड होता है जिसे हम इनक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं। इनक्यूबेशन पीरियड मतलब कि जब हमारे अंदर वो पैरासाइट गया और कब हमें वो दिक्कतें महसूस होनी शुरू हुई। क्योंकि चार तरह के पैरासाइट्स हैं, इसलिए ये पीरियड जो है वो भी डिफरेंट है। तो मैं आपको लगभग आपको अप्रॉक्सीमेट बता सकती हूँ कि 12 से 30 दिन मैक्सिमम तक ये हमें आफ्टर मस्किटो बाइट या आफ्टर इन्फेक्शन या आफ्टर हमारे अंदर पैरासाइट जाने के बाद ये साइंस एंड सिम्टम्स आने शुरू होते हैं। तो सबसे पहले क्या फीचर्स क्या हैं, हमें कैसे पता लगेगा? इसमें एक टर्म होती है फेब्राइल पारोक्सिज्म्स, जिसे अगर मैं सिंपल चीज़ में आप में बताऊं तो एक हाई ग्रेड फीवर होता है और बार बार फीवर होता है। स्टेजेस होती हैं फीवर की, जैसे पहले एक कोल्ड स्टेज आती है, पेशेंट को ठंड लगनी शुरू हो जाती है, बहुत ठंड लगती है। उसके बाद एक हॉट स्टेज आती है, जैसे 15 मिनट से एक घंटे तक उसको ठंड लगती है, जिसे हम कोल्ड स्टेज बोलते हैं। उसके बाद 2-6 घंटे तक उनको गर्मी आनी शुरू हो जाती है। इस फेज़ में उसको हाई ग्रेड फीवर होता है, बहुत तेज़ बुखार होता है, सिर दर्द बहुत तेज़ होता है, आँखों में दर्द हो सकती है, पूरे बॉडी में पेन्स हो सकती हैं। इसके बाद बॉडी का टेम्परेचर लोअर होना शुरू होता है, इसको हम बोलते हैं पसीना आना शुरू हो जाता है, स्वेटिंग फेज़ होती है। जैसे जैसे पसीना आना शुरू होता है, ये जो टेम्परेचर है ये ड्रॉप होना शुरू हो जाता है। ये जो चीज़ है ये बार बार होती है, जिसे हम कहते हैं पीरियोडिक फीवर है। ये जैसे आज बुखार हुआ तो हो सकता है 2 दिन पेशेंट को बुखार ना रहे और फिर 2 दिन के बाद, मतलब 48 आवर्स के बाद फिर से बुखार हो जाए, या ज़रूरी नहीं 48 आवर्स के बाद हो, ये 72 आवर्स के बाद भी हो सकता है। आज बुखार हुआ, हमने थोड़ी मेडिसिन ले ली, हमें 2-3 दिन बुखार नहीं रहा और हमें लगता है अब हम ठीक हो गए हैं, बट अचानक से 72 आवर्स के बाद फिर से तेज़ बुखार होता है। ये चीज़ कई बार 24 आवर्स के बाद भी हो सकती है। तो अगर आपको लगता है कि
तेज़ बुखार हो रहा है, बार बार हो रहा है, बॉडी एक्स हो रहे हैं, तो डॉक्टर को ज़रूर कंसल्ट करें। दूसरी चीज़ है कि एक तो बुखार आता है तेज़, इसमें शरीर का रंग पीला पड़ना हो पीला पड़ सकता है, जिसे हम कहते हैं कि अनीमिया हो रहा है, क्योंकि ये पैरासाइट हमारे जो ब्लड के रेड ब्लड सेल्स हैं उनमें उनको डिस्ट्रॉय करते हैं, इसीलिए हीमोग्लोबिन लेवल्स वो कम होने शुरू हो जाते हैं। तो पेशेंट को चक्कर आ सकते हैं, वीकनेस फील हो सकती है, उल्टी करने का मन हो सकता है, नौजिया हो सकता है, पेट में दर्द हो सकती है। एक स्पेशल ऑर्गन होता है हमारे पेट में जिसे हम स्प्लीन बोलते हैं, इस बीमारी में ये स्प्लीन का साइज़ बड़ा हो सकता है, जिसके कारण पेशेंट को पेट में एक अनप्लेजेंट सेंसेशन फील हो सकता है, जैसे एक ड्रैगिंग सेंसेशन या पेन या भारीपन, हैवीनेस, ऐसी फीलिंग आ सकती है। तो अगर ऐसे कुछ सिम्टम्स आते हैं तो डॉक्टर को तुरंत ही मिलना चाहिए। ये जो बीमारी है मलेरिया, ये बच्चों में बहुत ही खतरनाक हो सकती है, क्योंकि बच्चे खुद तो अपनी दिक्कत नहीं बता सकते। ये अगर बच्चों में कॉम्प्लिकेट हो जाए तो उनको सीज़र हो सकते हैं, सीज़र मतलब जो मिर्गी के दौरे होते हैं, पेशेंट जो बच्चा है उनको बहुत तेज़ बुखार हो सकता है, बेहोशी की हालत में जा सकता है। इवन प्रेग्नेंट लेडीज़ में ये इन्फेक्शन अगर हो जाती है तो जो गर्भ में बच्चा है उसको नुकसान हो सकता है, उनका बॉडी वेट जब वो डिलीवर होता है बॉडी वेट बहुत कम हो सकता है, अबॉर्शन होने के चांसेस बहुत हैं और स्टिल बर्थ्स हो सकते हैं। तो अगर ऐसा बुखार होता है तो उसको कभी भी लाइटली ना लें, तुरंत ही डॉक्टर के पास जाएं और उसको इन्वेस्टिगेट कराएं, क्योंकि अगर ये चीज़ कॉम्प्लिकेट हो जाती है तो जान को खतरा हो सकता है। इन चीज़ों के अलावा ये और बॉडी के ऑर्गन्स को भी इफ़ेक्ट करती है। कई बार बाथरूम कम आना शुरू हो जाता है, बाथरूम का रंग गाढ़ा रंग का आना शुरू हो जाता है, और बाथरूम कम भी हो सकता है। इसका मतलब है कि ये जो बीमारी है ये गुर्दे के ऊपर असर कर रही है। सांस की दिक्कत हो सकती है, छाती के अंदर पानी भर सकता है, इवन हो सकता है कि बुखार जो है टूटे ही ना, कंटिन्यूस फीवर भी रह सकता है इस बीमारी में, जिसे हम एक खास तरह का सेप्टिसिमिक मलेरिया बोलते हैं। क्योंकि नौजिया वॉमिटिंग है, भूख नहीं लगती है, इसलिए इंटेक कम रहता है, और अगर ओरल इंटेक कम है, मरीज़ खाना कम खा रहा है, तो धीरे धीरे जो है वो ब्लड प्रेशर ड्रॉप होना शुरू हो जाता है। कई बार क्या होता है कि इस कंडीशन में लूज स्टूल्स लग जाती है, मतलब डायरिया लग जाता है, और प्लस लैटरिन के साथ खून भी आ सकता है। तो कई बार हमें लगता है कि थोड़ा बहुत पेट की ही बीमारी है, बट वो इस तरह नहीं रहती है, वो एक कॉम्प्लिकेटेड मलेरिया है। जब हमारे पास पेशेंट आता है तो हम उसके पहले तो हिस्ट्री लेते हैं और उनके साइंस एंड सिम्टम्स के अकॉर्डिंग उनके हम इन्वेस्टिगेट करवाते हैं, और अगर पेशेंट के वाइटल्स स्टेबल हैं, वाइटल्स मतलब है कि अगर उसका ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट और ज़्यादा तेज़ बुखार नहीं है, ये सारा चीज़ें हैं, तो हम उनको ओरल मेडिसिन दे के, कुछ खास एडवाइस दे के घर भेज सकते हैं, अगर वो अपना इनटेक मेंटेन कर सके, खाना पीना ठीक रख सके। अगर हमें लगता है कि ब्लड प्रेशर उनका कम हो रहा है, हार्ट रेट बहुत तेज़ है, या बुखार तेज़ आ रहा है, या बाहर से ऑलरेडी दवाई ले चुका है, 4-5 दिन हो चुके बुखार ठीक नहीं हो रहा, तो हम पेशेंट को एडमिट करते हैं। एडमिट करने का मेन एम ये होता है, फर्स्ट एडवांटेज तो ये है कि हम उसको आईवी ट्रीटमेंट, जो एंटी पैरासाइटिक जो ड्रग्स हैं वो इंट्रावीनसली दे सकते हैं, उसका असर ज़्यादा अच्छे से रहता है। प्लस अगर पेशेंट का इंटेक कम है, खाना पीना कम खा रहा है, तो हम उसको आईवी ड्रिप्स दे सकते हैं, जितना उनको इंटेक की ज़रूरत है उस हिसाब से हम उनको इंटेक दे सकते हैं। कितना बाथरूम आ रहा है, ये चीज़ें हम मॉनिटर कर सकते हैं। तो कॉम्प्लिकेटेड केसेस को हम हॉस्पिटल में ज़रूर रखते हैं। इस तरह हमें लगता है कि पेशेंट का बुखार टूटना शुरू हो गया है, अब उसकी जो बिल्डअप है वो ठीक हो गई है, पेशेंट इनटेक ठीक है, बाथरूम ठीक आ रहा है, उस हिसाब से हम उसको डिस्चार्ज कर देते हैं। मेन प्रिकॉशन देखिए, जैसे मौसम बदल रहा है या बारिशों का मौसम है, मेन इसका ये है कि आसपास पानी ना खड़ा होने दें, क्योंकि जो मेन वेक्टर है, मतलब कि ये जो पैरासाइट है हमारे अंदर आता कहाँ से है, वो ज़्यादातर जो मस्किटो के काटने से ही आता है। एक खास तरह का मस्किटो है जिसे हम एनोफिलीस मस्किटो बोलते हैं, फीमेल जो फीमेल एनोफिलीस मस्किटो के कारण ये होता है। तो इसीलिए आसपास पानी ना खड़ा होने दें, मच्छर से दूर रहें, मच्छर को अपने घर में पनपने ना दें, और यही इसकी सावधानी है। अगली बार हम डेंगू फीवर की बात करेंगे, जो आजकल बहुत ही कॉमन है, जो कॉम्प्लिकेट हो सकता है और टाइम पर इसका इलाज हो सकता है। तो नेक्स्ट टाइम हम डेंगू फीवर के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।